आप सभी को राधे राधे। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, यानी कि राधा अष्टमी किस दिन है, व्रत किस दिन रखना है, किस समय तक रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्राकट्य उत्सव किस समय मनाया जाएगा, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या खाना पीना है और व्रत कब खोला जाएगा, ये सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए उसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी बोला जाने लगा। उसी प्रकार हमारी सामाजू श्री किशोरी जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ था, तो उस कारण इसको राधाष्टमी बोला जाने लगा। जो प्रेमी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते या नहीं करते हैं, अगर वो साल में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी का व्रत कर लेते हैं तो उनको सारी एकादशी करने का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और जो प्रेमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि राधा अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए, अन्यथा व्रत पूरा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जिस प्रेमी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया था उनको राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए, कंपलसरी है। ऐसे में राधा अष्टमी की जो पवित्र तिथि है वो 22 सितंबर को दोपहर को 1:35 से शुरू हो रही है और 23 सितंबर को शनिवार के दिन दोपहर को 12:17 पर संपन्न हो जाएगी। ऐसे में जो तिथि सुबह सूर्योदय के समय लगती है वही मान्य होती है। क्यों? क्योंकि हमारी राधा रानी का प्राकट्य दोपहर को 12 हुआ था। ऐसे में हम सभी का राधाष्टमी का जो पवित्र त्यौहार है, व्रत है, वो 23 सितंबर को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। ऐसे में दोपहर को 12 श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा और हमारा व्रत भी दोपहर को 12 तक, जब तक राधा रानी का प्राकट्य नहीं हो जाता तब तक व्रत रहेगा। राधा रानी का प्राकट्य करवा के हम अपने व्रत को खोल सकते हैं, यानी 12:17 के आसपास आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तब तक अगर आप हमसे अपनी निजी राय पूछें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जल भी नहीं पिया गया, सारा दिन निर्जला रहा गया था, कुछ नहीं खाया गया, कुछ नहीं पिया गया। तो आप भी ऐसा ही करिए कि इस दिन कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं, बस श्री कृष्ण हा कृष्ण हे कृष्ण मेरे कृष्ण इन शब्दों का उच्चारण करते रहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमने राधे राधे उच्चारण किया था, आज हम कृष्णा कृष्णा उच्चारण करेंगे। जिन प्रेमियों के घर में श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप है तो आप उनकी पूजा करिए। आप लक्ष्मी जी के स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को ही राधा रानी मानकर उनकी सेवा करेंगे। इस दिन याद रहे, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, आप सखा भाव से नहीं सखी भाव से सेवा करेंगे, सहचरी बनकर सेवा करेंगे। अपने अंदर फीमेल वर्जन को उत्पन्न करिए कि मैं राधा रानी की सखी हूँ, हम वृंदावन की गोपियाँ हैं, वृंदावन में ही हैं, सामाजू श्री किशोरी जी हमारे सामने बैठी हैं, हम उनके श्री चरणों में बैठे हैं। और अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी की तरह सजाइए। राधा रानी को नीला कलर बड़ा ही पसंद होता है तो उनको भी नीले कलर की पोशाक पहनाइए। कोशिश करिए खुद भी नीले कलर की पहने, खुद नहीं पहन सकती तो पीले कलर की पहने, क्योंकि ठाकुर जी को पीला पीताम्बर बड़ा ही अच्छा लगता है। इस दिन आप भोग में याद रहे किसी भी प्रकार से, वैसे तो आप सभी जानते ही हो कि भगवान को प्याज लहसुन की चीज़ें नहीं लगाई जाती भोग में, तो आप कोशिश करिए कि कुछ अच्छा सा सुंदर सा हल्का सा पकवान हमारी किशोरी जी के लिए रखा जाए और इस दिन हम कृष्णा कृष्णा का उच्चारण करेंगे। इससे राधा रानी बड़ी प्रसन्न होंगी। क्यों? अपनी बड़ाई सुनना हमें पसंद है भाई, उनको नहीं है, वो तो अपने प्रियतम का नाम सुनकर ही खुश हो जाती है। तो ऐसे में हम कृष्णा कृष्णा उच्चारण करते रहेंगे। दोपहर को 12:12 राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवा के उसके बाद सुंदर पोशाक पहना दी जाएंगी। उसके बाद आज जो भी संगत है आपके आसपास उनको प्रसाद बांटिए, पंचामृत से अपने व्रत को खोल लीजिए और आगे की जो आपकी दिनचर्या है उसको आप शुरू कर दीजिए। इस दिन पूर्ण रूप से आपको शुद्ध सात्विक रहना है, कोई भी चीज़ शरीर के अंदर ना जाने पाए। सूर्योदय से पहले पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और लगे रहें ठाकुर की सेवा में। ज़्यादा मुश्किल व्रत नहीं है, लेकिन अगर आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी का व्रत कर लिया तो आपको सारी एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलेगा, सभी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे। अगर गलती से किसी ग्रह की कोई क्रूर दशा चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, कोई किसी प्रकार का दोष कुंडली में लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, लेकिन हाँ, मांगना मत कुछ भी। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो कुछ भी मांग मत लेना इस दिन, बस एक ही बात कहना कि सेवा में लगाए रखना, सेवा ना छूटे, तेरा नाम तेरा धाम ना छूटे। अगर मांगना भी है ना तो यही मांगना, बस तेरा नाम और तेरा धाम ना छूटे।
किशोरी जी इतनी भोली है वो तुरंत कृपा कर देंगी और स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि अगर उनसे कुछ मांग लिया तो वो दे के परे हो जाएंगी, लेकिन अगर उनसे उन्हीं के चरणों की सेवा मांग ली वो आपके वश हो जाएंगी। क्यों? भक्त के वश में है भगवान। तो एक बार सभी प्रेमी राधे राधे बोलेंगे, इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ सके। राधे राधे।